जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जॉब वांट के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया दोस्तों, और यहां पर नॉन टीचिंग नवोदय विद्यालय के अंदर जो है नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा और किस किस पोस्ट पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आ रही है और क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस बेस पर जो है वो भर्ती होने वाली है। ये सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट पर। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर एलिजिबल कैंडिडेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक उसके लिए जरूर बने रहना होगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक आप जरूर करिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके से इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, यहाँ पर NVS स्टोनोग्राफर, मेस हेल्पर और अदर पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दोस्तों 1925 है, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। उसके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर बांटा गया है। उसमें भी स्टोनोग्राफर का है दोस्तों, कुछ जो है ग्रुप सी की वैकेंसी, यहाँ कुछ MTS की वैकेंसी है और यहाँ पर कुछ मेस हेल्पर की वैकेंसी है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर जो है वैकेंसियाँ निकल के आ रही। सबसे पहले हम इसके आवेदन फ़ी की बात कर लेंगे। तो सीरियल नंबर 1-2 पोस्ट के लिए दोस्तों यहां पर जो है वो 1500 रुपया एग्ज़ाम फ़ी है जो रखा गया है। सीरियल नंबर 3 के लिए 1200 रुपया और सीरियल नंबर 4 से लेके 12 तक दोस्तों यहां पर 1000 रुपया है। 13, 14, 15 के लिए 750 रुपया चार्ज यहां पर जो है वो रखा गया है एग्ज़ाम फ़ी इसका। ऑनलाइन की वैकेंसी है दोस्तों, तो इसका पेमेंट भी आपको ऑनलाइन मोड से ही करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर किसी भी ई चालान के माध्यम से आप लोग जो है पेमेंट इसका कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो 12 तारीख से इसका आवेदन होना स्टार्ट हो चुका दोस्तों और 10 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। CBT टेस्ट जो है इसका टेंटेटिव डेट जो है वो रखा गया दोस्तों 9 मार्च से 11 मार्च तक आपका एग्ज़ाम टेंटेटिव डेट है, ये मे भी हो सकता है। इसके अंदर फेरबदल भी होता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे और यहाँ पर जो है कौन सी नंबर ऑफ पोस्ट पर कितनी वैकेंसियाँ निकल के आ रही है, क्या उसका एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, वहाँ यहाँ पर जो है देख लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है ग्रुप ए का, जिसके अंदर जो है टोटल 5 ही वैकेंसी है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल रखा गया है। 45 साल से कम एज वाले यहां आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज साइंस और यहां पर कॉमर्स विद द 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। आपका जो पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन का है, जो ग्रुप ए की वैकेंसी है, जिसके लिए 2 ही पोस्ट है। इसके अंदर भी एज लिमिट आपका मैक्सिमम जो है 45 रखा गया है। ग्रेजुएशन डिग्री है, ग्रेजुएट हैं अगर आप तो आवेदन जो है कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ ग्रुप बी की वैकेंसी है, जिसके लिए 82 पोस्ट है दोस्तों। अप टू 35 ईयर्स इसका जो है एज लिमिट है। क्लास 12th के बाद में आपने BSc किया हुआ है नर्सिंग से तो आवेदन जो है वो कर सकेंगे। इसमें असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का ग्रुप सी का पोस्ट है, जिसके लिए 10 पोस्ट है और 18 से 30 साल वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों डिग्री और उसके बाद कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन के बाद में अगर कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है, सर्टिफिकेट हो या ना हो, कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट है, जिसके लिए 4 ही पोस्ट है यहाँ पर और अप टू 35 ईयर्स हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा की डिग्री जो है वो मांग रहा है। जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है दोस्तों, इसके अंदर जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 35 साल तक आपका एज लिमिट यहाँ पर है। स्टोनोग्राफर ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पर 12th क्लास के बाद अगर आपके पास शॉर्ट हैंड का स्पीड है, उसमें शॉर्ट हैंड आपने किया हुआ है, 18 से 27 साल इसका एज लिमिट रखा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दोस्तों यहाँ पर 4 पोस्ट है, 18 से 30 साल इसका भी एज लिमिट है। डिग्री है, डिग्री के बाद में आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है 1 साल का, तो आवेदन जो है आप कर सकते हैं इसके अंदर। कैटरिंग असिस्टेंट का पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए 87 पोस्ट है, उसमें भी आपका डिप्लोमा इन अंदर दोस्तों क्लास 12th के बाद में डिप्लोमा इन कैटरिंग आपने किया है तो आवेदन जो है वो कर सकते हैं। सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसके लिए 630 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी का है दोस्तों। इसके अंदर जो है 18 से 27 साल मांग का एज लिमिट जो है वो रखा गया। सीनियर सेकेंडरी पास हैं, यानी कि इंटर पास हैं आप, टाइपिंग का नॉलेज है तो आवेदन जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम पंपर का जो वैकेंसी है वो 273 पोस्ट पर है, जिसके लिए आप 10th के बाद में ITI किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से तो आप आवेदन जो है कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट का पोस्ट है ग्रुप सी का, 142 पोस्ट है, तो उसके लिए आपका दोस्तों यहाँ पर 10th 12th साइंस डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन से है तो आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसका एज लिमिट है।
मेस हेल्पर का जो पोस्ट है जिसके लिए 629 पोस्ट है यहाँ पर, एज लिमिट 18 से 30 साल रखा गया है और सिर्फ 10th पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 223 पोस्ट है और इसके लिए भी अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसका एज लिमिट है। ऑलरेडी आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट और क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब जो है दे दूंगा दोस्तों। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया, वीडियो ज़रूर लाइक करिए और उन कैंडिडेट को ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनको इस वैकेंसी में इंतज़ार था और एलिजिबल कैंडिडेट है, आवेदन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।